हाय ऑल, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बोला था, मैं बिहार के बारे में कुछ भी ऐसी न्यूज़ देखूंगी या फिर सुनूंगी जो ऑथेंटिक होगा और वो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो नमस्ते, श्रुति टेल्स में फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उन सब का स्वागत है, मगर जो लोग बिहार से हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिहार में जो भी चीज़ें हो रही हैं, यहाँ बिहार में या बिहार के बाहर हैं, उनसे हमारा ताल्लुक़ है और कहीं ना कहीं हमें उसके बारे में खबर होनी चाहिए। आमतौर पे जो भी न्यूज़ आती है बिहार से जुड़ी हुई, मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगी। कुछ ऐसी न्यूज़ जो कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पे नहीं आ पाती है, मगर वो मुझे बहुत इम्पैक्ट करती है। हो सकता है आप लोगों को उस तरह से इम्पैक्ट ना करें, मगर मुझे बहुत इम्पैक्ट करती है, उसके बारे में मैं बात करूँगी इस चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप लोगों को कहीं ना कहीं उस न्यूज़ से या तो फ़र्क पड़ेगा या फिर कहीं ना कहीं वो आपको कुछ सोचने के लिए मजबूर करेगी। और अगर हम लोगों के विचार ऐसे ही एकाकी होते रहेंगे, हमारे विचार या फिर एक दूसरे से ऐसे ही कनेक्ट होते रहेंगे, तो हो सकता है कि विचारों का एक नया सेतु बने और आगे चल के, अभी तो हम बिहार के लिए कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हम बिहार से बाहर हैं, मगर अगर कभी ज़िंदगी में ऐसा एक टाइम आए, ऐसा एक समय आए कि हम बिहार के लिए कुछ करने में समर्थ रहें, तो बिहार के लिए कुछ करना भी उतना ही ज़रूरी है और करने का सोच है, दिल में एक ख्वाहिश है, देखिए क्या होता है। तो खैर, ऐसे ही न्यूज़ को मैं आपसे साझा करूंगी और मैं कोशिश करूंगी वीडियो बहुत बड़ा ना हो, मगर जो दूसरी न्यूज़ है वो थोड़ी बड़ी है, तो एक्सट्रीमली सॉरी अगर ये वीडियो थोड़ा खींचता है। अंत तक देखने की कोशिश करें ताकि आपको पता चले, और अगर आप कुछ इसके बारे में सोचते हैं, समझते हैं, कुछ भी आपके दिल दिमाग में आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालें, क्योंकि ये जो वीडियो बिहार के लिए बनाऊंगी वो मतलब एक तरीके से बिहार के लोगों से और जुड़ने के लिए होगा। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और हम एक अगर बिहारी लोगों के का ऐसा एक ग्रुप बना सकें जो लोग एटलीस्ट अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं मगर आगे चल के कुछ करना चाहते हैं या फिर बिहार के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूंगी ऐसे लोगों का एक ग्रुप बनाऊं, या व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊं या फिर फेसबुक ग्रुप बनाऊं, और हम लोग अभी से एक दूसरे से जुड़ना शुरू कर दें। तो जिंदगी के किसी भी पहलू में, किसी भी क्षण में अगर लगे कि अब हम बिहार के लिए कुछ करने के लिए तैयार हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट या किसी के पास ऐसा कुछ आइडिया है, तो हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट होकर बिहार के लिए कुछ कर पाए। सो प्लीज़ मेरे इस चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें, अपना किसी भी तरीके से एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश करें, जो बहुत ज़रूरी है। अभी नहीं, मे बी वर्तमान में नहीं, भविष्य में, मगर कोशिश तो करेंगे बिहार के लिए कुछ करने का। जैसे आप सभी को पता है कि मैं बिहार से हूँ और बिहार को बहुत प्यार करती हूँ, मगर बिहार के लिए कुछ कर नहीं पाई हूँ अभी तक। ग्रेजुएशन के बाद ही बिहार से निकलना हो गया, सो अभी तक कुछ ऐसा मिला नहीं बिहार के लिए करने का, देखिए क्या होता है। खैर, दो न्यूज़ अभी जो मैंने देखा, मैं मोस्टली न्यूज़ भी आजकल यूट्यूब पर ही देखती हूँ, आजकल हर कुछ यूट्यूब पर होता है मेरा, तो ऑथेंटिक न्यूज़ है, मैंने देखा है न्यूज़ चैनल पे भी, मैंने फिर इसकी क्लिपिंग देखी है। पहला जो न्यूज़ है वो बिहार के बेगूसराय का है। 23 साल का युवक, क्या बोलूँ, मिस्टर ऋषि कुमार, जो हमारे पास नहीं है, जिन्होंने शहादत को प्राप्त किया अभी जो जम्मू कश्मीर में ये सब जो टेंशन चल रहा है उसमें, और 23 साल में वो देश के लिए शहीद हो गए। बेगूसराय बहुत ही ज़्यादा क्लोज है मेरे लिए, क्योंकि मेरे बचपन का बहुत बड़ा पार्ट दलसिंहसराय में बीता है, और दलसिंहसराय समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ से बेगूसराय बहुत नज़दीक है, और मेरे कुछ रिलेटिव, बहुत ही क्लोज रिलेटिव बेगूसराय में रहते थे, सो बेगूसराय हमेशा आना जाना होता था। और ये न्यूज़ क्यों मुझे इम्पैक्ट किया, मैं ये भी बोलूँगी, 23 साल की उम्र में हम जिंदगी को अच्छे से इन्जॉय करते हैं, बहुत एक यू नो, कॉलेज का लाइफ, कॉलेज के फ्रेंड्स, वो जिंदा दिली, वो सपने देखना, वो यू नो, सपने बुनना, वो सारी चीज़ें 23 साल की उम्र में होती हैं। 23 साल की उम्र में बहुत सारे लोगों ने ओलंपिक में मेडल जीते और उनको बहुत सारे गिफ्ट्स मिले, बहुत सारे उन्हें भी यू नो, बहुत अथक प्रयास के बाद सफलता हासिल की। 23 साल की उम्र में भी हमने देखा कि हमारे सुपरस्टार का बेटा जेल में चला गया तो वो एक बच्चा कहलाया, और 23 साल की उम्र में ये बच्चा देश के लिए शहीद हो गया। सो यू नो, 23 साल एक, ये जो 23, 25, 20 ये जो उम्र है ना, इसके बहुत सारे डेफिनेशंस हमने गढ़ दिए हैं। कुछ लोग इसे बच्चा कहते हैं, कुछ लोग इसे मेच्योरिटी कहते हैं, कुछ लोग इसे पता नहीं क्या कहते हैं, मगर ये 23 साल में जो मिस्टर ऋषि कुमार जो हैं, जो बेगूसराय से यू नो, एक छोटे से, बेगूसराय एक टाउन भी नहीं था तब, अब तो एक टाउन है, मगर बहुत छोटे से शहर से निकलकर इतने बड़े यू नो, फ्रंट लाइन पे जाना, फिर देश के लिए शहीद हो जाना, वो भी सिर्फ 23 साल में, ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है और सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी सोच शुरू से ही कितनी परिपक्व होनी चाहिए और डिसीजंस लेने में
इतनी देरी नहीं करनी चाहिए, मतलब हमें अपने बच्चों को भी शुरू से ही, मैं शुरू से भी नहीं कहती कि बचपन से उनके पीछे पड़ जाना चाहिए, बस एक उम्र के बाद उन्हें समझाना चाहिए, उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए, उनके लिए रास्ता चुनने में उनकी मदद करनी चाहिए, ताकि ये जो 20, 22, 23 आते आते वो बहुत ही क्लियर हो जाएं कि उन्हें ज़िंदगी में आगे करना क्या है। सो एक ये न्यूज़ हो गई जिसने मुझे बहुत इम्पैक्ट किया, क्योंकि इतनी कम उम्र में वो देश के लिए शहीद हो गए, उनकी पेरेंट्स ने डेफिनेटली उनके लिए क्या क्या सपने देखे होंगे बिहार में तो अभी, और वो शायद उनकी साथ बहन की शादी थी, वो भी 10 दिनों के बाद घर आने वाले थे, सोचिए उस घर में क्या हो रहा होगा। ऐसे बहुत सारे घर हैं इंडिया में, मैं नहीं कह रही ये न्यूज़ बहुत ही बड़ी खबर मैं कहीं से आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ, मगर क्योंकि बिहार की बात थी, बेगूसराय की बात थी, और 23 साल में बहुत जल्दी चले गए वो हमारे बीच से, तो मुझे इस खबर ने बहुत इम्पैक्ट किया और मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं। दूसरी न्यूज़ जो है वो तो बहुत ही गहरा आघात है कहीं ना कहीं उस न्यूज़ का मेरे ऊपर, क्योंकि जब मैं खुद बिहार बहुत टाइम से नहीं गई थी, जैसा आप लोगों को पता है मैं हॉस्पिटल सेक्टर में हूँ, हेल्थ केयर सेक्टर में हूँ, तो इस सेक्टर में जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि हमें छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं, ये यू नो नेसेसरी सर्विसेज में आता है, हमेशा ही ये ओपन रहता है, गवर्नमेंट हॉलीडेज भी बहुत चुन चुन कर मिलती हैं, सारे लोगों को नहीं मिलती हैं, तो मुझे छुट्टियाँ नहीं मिलती थी, बहुत ही मुश्किल होती थी छुट्टी मांगने में, मतलब यू नो वो एक भीख मांगने के बराबर था कि छुट्टी दे दो, और बिहार दूर है, मैं तमिलनाडु में हूँ जैसा कि यू नो पता है कुछ लोगों को, सो यहाँ से बिहार जाने के लिए छुट्टियाँ ज़रूरी होती थी एटलीस्ट कुछ दिनों की, मगर वो मिलती नहीं थी, मैं बिहार ज़्यादा जा नहीं पाती थी। अभी थैंक्स टू कोरोना लास्ट ईयर मुझे बिहार करीब 4 सालों के बाद 2.5 महीने रहने का मौका मिला, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में थी उस समय में। सो 2.5 महीने में जब मैंने बिहार को जाकर थोड़े नज़दीक से देखा, तो मैंने ये देखा कि बिहार अब बुजुर्गों का प्रांत बनता जा रहा है, और ये न्यूज़ मैंने कहीं पढ़ा भी कि बिहार अब वृद्धों का प्रदेश बन गया है, और मैंने इस चीज़ को महसूस किया कहीं ना कहीं। वो तो कोरोना काल चल रहा था, लोग डरे थे, सहमे थे, भयभीत थे, मुझे लगता है बिहार में भी हर तीसरे चौथे घर से कोई ना कोई या तो कोरोना से इम्पैक्टेड था या फिर कोरोना में उनकी डेथ हुई थी। मेरे भी कुछ बहुत ही क्लोज रिलेटिव्स को खोया है मैंने, या फिर क्लोज फ्रेंड्स को खोया है मैंने कोरोना में। तो ऐसे ही समय में मैंने बिहार में ये महसूस किया कि अब बिहार में जो बुज़ुर्गों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। अब इसको पॉलिटिकल जो है सिनेरियो उससे हम साझा करके देखें या फिर और भी कुछ, क्योंकि बिहार में प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा निवेश नहीं है, सरकारी नौकरी में कहीं ना कहीं SC ST OBC रिजर्वेशन की वजह से लीड कर रहे हैं, तो जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको वहाँ रोज़गार नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी है जो ये IT का भी जो बूम आया है बिहार में, ऐसी कोई भी कंपनीज नहीं है, और बिहार के लोगों को बाहर जाना एक उनकी मजबूरी बनती जा रही है कहीं ना कहीं। सो बिहार में बुजुर्ग ज़्यादा हैं, और नवयुवक या नवयुवती जो यू नो यंग जनरेशन है उनका जमावड़ा अब ना के बराबर है। कोरोना की वजह से बहुत सारे घरों में, मुझे लगता अधिकांश घरों में उनके बच्चे थे, तो ये बहुत ही बड़ा रिलीफ था लोगों के लिए वहाँ पर, ये मैंने महसूस भी किया। खैर, ये न्यूज़ से पहले ये बताना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि ये जो न्यूज़ है एक किसी वृद्ध के बारे में है, एक ऐसे ही बुजुर्ग के बारे में है, डॉक्टर अलख नारायण पांडे, डॉक्टर एल पांडे, बहुत नाम है इनका बहुत नाम सुना था, और पर्सनली भी इनको थोड़ा बहुत जानने का मौका मिला था, क्योंकि जब मैंने इंटर्नशिप करी थी तो जो मेरी डॉक्टर थी, जो असाइन डॉक्टर थी, उनके ये बहुत ही क्लोज रिलेशन में थे, और वो किसी न किसी तरीके से उनसे मिलने का भी मौका मिला और उनको पर्सनली जानने का भी मौका मिला। एक बहुत ही प्रतिष्ठित डॉक्टर जिनका इंटरनेशनल फेम था, नेशनल लेवल पे कई पुरस्कार, कहीं कितने सारे जो इस तरह के जुड़े हुए यू नो जो एसोसिएशन होते हैं उनके वो डायरेक्टर HOD रह चुके थे, आँख के बहुत बड़े डॉक्टर थे, और इनके बारे में बोला जाता था कि अगर इनके पास कोई बंदा अपनी आँख की परेशानी को लेकर जा रहा है तो उसका जो रामबाण इलाज कहते हैं ना लेमन टर्म में, वो अगर इन्होंने कर दिया अदरवाइज उसका कोई इलाज हो ही नहीं सकता, पूरी दुनिया में नहीं हो सकता, इतने मझे हुए डॉक्टर थे ये। तो इनके दो बच्चे हुए, एक जैसे आजकल एक यू नो आजकल क्या एक ट्रेंड है कि बहुत मेहनत करते हैं माँ बाप बच्चों को विदेश पढ़ने भेजते हैं, बच्चे वहीं सेटल हो जाते हैं और माँ बाप फिर यहाँ अकेले रह जाते हैं, ये तो बिहार में मुझे लगता है हर चौथे पाँचवें घर की कहानी है। इनकी जो वाइफ थी डॉक्टर छवि, वो भी एक डॉक्टर थी, इनके दो बेटे हुए, एक आयरलैंड और एक कनाडा में जाकर सेटल हो गए। सो अभी कुछ साल पहले इनके जो बेटे थे जो कनाडा में थे उनका एक एक्सीडेंट में डेथ हो गया, और उसके कुछ टाइम के बाद इनकी वाइफ का डेथ हो गया। अब वाइफ की डेथ क्यों हुई, या उस बच्चे का न्यूज़ सुनकर हुआ या फिर कुछ बीमारी की वजह से, उस पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली मुझे, और मगर अभी जो था कि एक बेटा इनका आयरलैंड में रह रहा था और ये अकेले रह रहे थे
पटना में, पटना में क्योंकि ये बहुत ही बिजी थे और यू नो ऐसे जो डॉक्टर्स होते हैं ना वो कहीं ना कहीं दीन दुनिया से कट जाते हैं, जो हम बोलते हैं वो रिश्तेदारों से कट जाते हैं, वो समाज से कट जाते हैं, क्योंकि इनका जो प्रोफेशन होता है वो उतना ही डेडिकेशन ढूंढता है और उतना ही टाइम मांगता है। तो इनको किसी और चीज़ के लिए, जो पैशनेट होते हैं ना डॉक्टर्स, बिलीव मी वो अपने फ्रेंड सर्कल में जिंदा रहते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स कहीं ना कहीं इनके प्रोफेशन से जुड़े होते हैं, प्रोफेशनल सर्कल में वो जिंदा होते हैं, मगर जो पर्सनल सर्कल में होते हैं ना उनका कोई आइडेंटिटी नहीं होता और बहुत लोग इसको मेंटेन नहीं कर पाते, जो कि गलत है। अब मैं इसके जस्टिफिकेशन में नहीं जाऊंगी कि क्यों नहीं कर पाते, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं इसके जस्टिफिकेशन में, इसके डेप्थ में यहाँ नहीं जा रही, ये वीडियो इसके लिए नहीं है। मगर जो डॉक्टर पांडे थे, अलख नारायण पांडे, एल पांडे, वो कहीं ना कहीं बहुत ही रिजर्व्ड होके रह गए थे, ये है। सो क्योंकि वाइफ की मौत हो गई, बेटा आयरलैंड में था और ये अकेले पटना में रह रहे थे, वृद्ध हो गए थे, उम्र हो गई थी। अभी कुछ दिनों पहले उनकी अक्टूबर में उनकी डेथ हो गई। अब ये वीडियो क्यों बनाना है और ये न्यूज़ कहीं ना कहीं मुझे क्यों इतना इम्पैक्ट किया, उसके बारे में बोलती हूँ। जब ये अंत समय में अकेले हो गए थे तो ये बीमार हो गए और इनके किसी पड़ोसी ने, क्योंकि ये बहुत ही चर्चित डॉक्टर थे, प्रोफेसर थे PMCH के, तो बहुत स्टूडेंट जो इनके थे वो इनसे पढ़ के बहुत बड़े बड़े डॉक्टर बन गए थे और पटना में उनके बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स थे। तो इनके एक पड़ोसी ने इनको, इन्हीं के एक जो इनका एक स्टूडेंट था जो बहुत ही बड़ा डॉक्टर बन गया था और जिसका एक हॉस्पिटल है पटना में, उसके हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। उस स्टूडेंट ने अपना धर्म निभाया और इनकी अच्छे से देख रेख की, इलाज किया, ICU में बहुत दिन रहे, प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा नहीं रहा और ICU में इनकी डेथ हो गई। जब इनकी डेथ हुई, इनका सारा जो ट्रीटमेंट हुआ ये उस स्टूडेंट ने अपने लेवल पे किया, ना कोई डिस्कशन करने के लिए था, ना कोई बताने के लिए था, ना कोई पूछने के लिए था। सो जो भी उससे बन पा रहा, जितना बन पा रहा उसने खुद के दम पे किया, ना कोई रिश्तेदार आया, ना बेटा आया, कोई भी नहीं आया। अब बेटा क्यों नहीं आया, क्या हुआ, इसके फिर डेप्थ पे नहीं जाएंगे, हो सकता है उसकी कुछ जिम्मेदारी, उसकी कुछ यू नो रिस्ट्रिक्शंस हो, कोरोना की वजह से फ्लाइट भी और जो बॉर्डर्स हैं वो भी उतने स्मूथ नहीं हैं अभी। खैर, तो ICU के ट्रीटमेंट के बाद प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं रही और उनकी डेथ हो गई। डेथ के बाद 4 दिनों तक उनकी जो लाश है, जो बॉडी है, वो हॉस्पिटल में पड़ी रही, ना कोई क्लेम करने आया, ना कोई लेने आया, ना कोई पूछने वाला आया। 4 दिनों तक वेट करने के बाद इनकी जो बॉडी थी उसको गंगा घाट या बांसघाट जो पटना में है वहाँ पहुँचाया गया अंतिम संस्कार के लिए, और तब 4थे या 5वें दिन इनका जो बेटा था वो इंडिया आया। तब तक सब कुछ ख़त्म हो चुका था, उसके हाथ में कुछ भी नहीं बचा था, उसने शायद अपने पापा को आखिरी वक्त में देखा तक नहीं। ये वीडियो बनाने का यही मोटो है कि हम सब बिहार से बहुत दूर आ गए हैं, फिजिकली भी और शायद कहीं ना कहीं मेंटली भी। अगर मेंटली कनेक्टेड भी हैं तो फिजिकली हम इतने दूर हैं कि हम चाहकर भी ना कुछ कर सकते हैं, ना वहाँ हम टाइम पे पहुँच सकते हैं। और बिहार की जो मेडिकल फैसिलिटी है, बहुत फॉर्चुनेट थे डॉक्टर पांडे कि उन्हें एक अपने स्टूडेंट के एक अच्छे हॉस्पिटल में अच्छा ट्रीटमेंट मिला, मगर बिहार की जो मेडिकल फैसिलिटी है वो मतलब वे पुअर है। मतलब वहाँ पे बंदा, आधे लोग तो इलाज ना मिलने के लिए के कारण मर जाए और जो बचे खुचे लोग हैं वो इलाज करवा करवा के मर जाए, क्योंकि वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, मैं नहीं कह रही डॉक्टर्स भगवान होते हैं, सब जानते हैं, मगर वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं पता नहीं किस तरह के भगवान हैं, किस रूप के भगवान हैं, किस अवतार के भगवान हैं, वो तो भगवान खुद भी नहीं जानते हैं। जो भी अच्छे डॉक्टर हैं बिहार से, उनका पलायन हो गया है, डॉक्टर्स की सैलरी बहुत अच्छी होती है, उनका पढ़ाई इस तरीके से होता है कि बिहार में रह के वो क्या करेंगे, उनको तो मेट्रोपॉलिटन में या फिर विदेश में बहुत अच्छे अच्छे जॉब्स ऑफर होते हैं, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल ऑफर होता है, तो वो बिहार से निकल जाते हैं। जो दूसरे डॉक्टर बिहार में बचते हैं, पता नहीं क्या बोला जाए इसका, तो ताज़ा उदाहरण मैं ऐसे दूंगी, जब कोरोना चल रहा था बिहार में तो आधे से ज़्यादा डॉक्टर्स के केबिन पे ताला लटका था और वो लोग या तो अंडरग्राउंड हो गए थे या फिर कहीं और चले गए थे, तो लोगों को ट्रीटमेंट के लिए बिहार में डॉक्टर्स नहीं मिल रहे थे। तो ये तो वही हुआ ना कि जब चाइना या पाकिस्तान ने अटैक किया या अटैक करेगा तो हमारी सेना फ्रंटलाइन छोड़ के भाग जाएगी और कहेगी नहीं नहीं बाबा हम तो मर जाएंगे, हमें तो बहुत खतरा है तो हम नहीं कर सकते हैं ये। तो डॉक्टर्स ने लिटरली यही किया था, सारे डॉक्टर्स ने नहीं किया था, मगर मैं बिहार रही थी और मुझे बिहार के बारे में बहुत कुछ पता था, क्योंकि मेरी आधी से ज़्यादा फैमिली बिहार में थी, हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान थे और सब कुछ पता कर रहे थे वर्चुअली फॉर श्योर। तो हमें पता चला था कि बिहार का ये सिनेरियो है। तो बिहार का मेडिकल फैसिलिटी ग्राउंड लेवल से भी नीचे है, हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स
बहुत ज्यादा है, अब तो मेदांता वगैरह भी आ गया है पटना में, मगर बिहार में और भी जो, अब पटना जाने के लिए भी तो होना चाहिए ना, बहुत सारी जगह से तो पटना जाने के लिए एक पक्की सड़क तक नहीं है बिहार में। बाढ़ के समय में, फ्लड के समय में तो सारा कनेक्टिविटी चला जाता है। ऐसे भी पटना पहुंचते पहुंचते तो एटलीस्ट पेशेंट को प्राइमरी जो होता है ना एक चिकित्सा, वो तो मिलनी चाहिए, वो भी नहीं मिल पाती है। सो बिहार की हालत बहुत ख़राब है। बिहार में आधे से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है, आई थिंक 1/3 पॉपुलेशन से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो बुज़ुर्गों का है। और जो उनके साथ हुआ, मैं नहीं कह रही वो एक बहुत प्रतिष्ठित डॉक्टर थे, ये थे वो थे, मैं बस कह रही थी वो एक इंसान थे, उनके पास पैसा प्रतिष्ठा सब कुछ था, एटलीस्ट पैसा तो बहुत ज़्यादा था, फिर भी उनका हश्र क्या हुआ वो सबके सामने है। जो न्यूज़ है इसने मुझे बहुत इम्पैक्ट किया। हम कहीं ना कहीं समाज से बहुत दूर होते जाते हैं, हमें लगता है हमारे पास पैसा है, हमारे पास सब कुछ है, मगर अन समय में पैसा बिल्कुल भी काम नहीं आता है। ऐसे काम तो शायद समाज भी नहीं आता है अन समय में, मगर धन्य उस पड़ोसी का सीरियसली जिसने उन्हें एटलीस्ट हॉस्पिटल पहुँचाया। ये न्यूज़ मुझे कहीं ना कहीं बहुत इम्पैक्ट किया, और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ और ये दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर बिहार के व्यूअर्स हैं प्लीज़ जुड़े, हम एटलीस्ट अपना एक फोरम बनाएं, अपना एक ग्रुप बनाएं, ताकि हम अभी से एटलीस्ट ये प्लान तो कर पाएं कि हम क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। प्लीज़ अगर आप लोगों को भी कहीं ना कहीं ये न्यूज़ दिल दिमाग पे असर किया या फिर आप लोगों को कुछ सोचने पे मजबूर किया इस न्यूज़ ने, तो प्लीज़ जुड़े जुड़े मुझसे और देखते हैं शायद भविष्य में कुछ कर पाएं। अभी तो मेरी भी हालत यही है, मैं तो तमिलनाडु में जो मेरी कर्मभूमि है मैं वहाँ बैठी हूँ, बिहार तो शायद छूट ही रहा है धीरे धीरे और ऑलमोस्ट छूट ही गया है। पर अगर हम आजकल तो टेक्नोलॉजीज़ का ज़माना है, मुझे ज़्यादा इस बारे में आइडिया नहीं क्योंकि शुरू से हॉस्पिटल सेक्टर में रही, क्लिनिकल होके रह गई, बाकी दुनिया से कांटेक्ट, कहते हैं ना जो इस तरह के प्रोफेसर में आते हैं ना वो बहुत ज़्यादा या तो फोकस्ड हो जाते हैं या फिर उनके पास टाइम ही नहीं रहता है कुछ और सोचने के लिए, तो हम बाकी दुनिया से बहुत कट जाते हैं, बाकी टेक्नोलॉजी से कट जाते हैं, हमारे आँख में दिमाग में ना सिर्फ वो हॉस्पिटल हमारे पेशेंट्स ही घूमते हैं। अगर आप लोगों के पास कुछ भी आइडिया है, आप लोगों को किसी भी तरीके से लगता है कि हम एक होकर कुछ कर सकते हैं आज या कल या परसों या कुछ वर्षों के बाद भी, प्लीज़ जुड़ें, कमेंट करें, बताएं मुझे भी आइडियाज़ दें और मिलके देखते हैं अगर हम कुछ कर पाए बिहार के लिए। बहुत ज़रूरी है, बिलीव मी, बहुत ज़रूरी है। क्या बोलूं, इसी संवाद के साथ ये वीडियो यहाँ अंत करती हूँ, मगर इस तरह के अगर कुछ भी और आगे न्यूज़ आएंगे तो मैं आप लोगों से ज़रूर साझा करूँगी। कोशिश करें देखने का, कोशिश करें इसके बारे में सोचने का और कमेंट करने का, जुड़ने का कोशिश करें, जो बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।